नमस्कार दोस्तों, स्विगी पकवान में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स जो आपके घर में बहुत ही काम आएंगी। तो चलिए फिर वीडियो को देख लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने कलबत्ता लिया है और इसमें मैंने 10-15 लौंग इसमें डालकर इसको अच्छे से हम बढ़िया से कूट लेते हैं, बारीक इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए हमारे जो लौंग है इसको हमने अच्छे से कूट लिए हैं, तो इसको अभी साइड में हम रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बर्तन लिया है, बर्तन में मैंने एक गिलास के करीब मैंने पानी लिया है। अब गर्म पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने ठंडा पानी ही लिया है। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने एक ढक्कन इसमें हम डिटॉल डाल देते हैं और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर मैंने एक कपूर की गोली भी हम इसमें डाल देते हैं। अब इसके बाद में हम डालेंगे जो लौंग हमने कूट के रखा था, जिसका पाउडर हमने बनाया था, इसको हम इसमें डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे। अब मिलाने के बाद में फ्रेंड्स अब हम इसमें डालेंगे एक पैकेट शैम्पू। आप जो भी शैम्पू घर में इस्तेमाल करते हैं वो शैम्पू को ले लीजिएगा और इसमें डालकर इसको बढ़िया से इसको मिक्स कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये हमारा सोलूशन बन के रेडी हो गया है। अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है चलिए हम आगे वीडियो में बताएंगे। अब वीडियो आप बहुत ही छोटा सा वीडियो है फ्रेंड्स, वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने एक बोतल लिया है फ्रेंड्स, तो एक बोतल में जो सोलूशन हमने बना के रखे इसको हम भर के रख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने इसमें भर के रख लिए हैं बोतल में, ढक्कन लगा देते हैं। अब इसके बाद में बच गया था थोड़ा सा, तो उसको मैंने यहाँ पर स्प्रे की बॉटल, जैसे स्प्रे की बॉटल में भर के रख सकते हैं या फिर नॉर्मल बॉटल में छेद करके इसको भर के रख सकते हैं। चलिए इसे आप यूज़ कैसे करना है देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहले इसमें फिर जहाँ लाइट वगैरह जलती है ना वहाँ पर अक्सर छिपकर ली आती है, तो हमें क्या करना है इस तरीके से यहाँ पे इसको छिड़क देना है, जिससे कि इसकी सुगंध से जो छिपकर ली आती है ना वो हमारे घर से भाग जाएगी। तो इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ऊँचा ना तो मेरे हाथ नहीं पहुँच पा रहा था। और इसके बाद में जहाँ कोने काने में जैसे मच्छर छुपे रहते हैं ना वहाँ पर भी इसका छिड़काव करेंगे ना तो अंदर जो मच्छर रहेगा वो भी घर से बाहर हो जाएगा। तो चलिए इसे दूसरे तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने पानी लिया है एक बाल्टी में। अब इसमें एक ढक्कन जो हमने सलूशन बना के रखे ना इसको हमने बाल्टी के पानी में हमने डाल दिया है। तो अब इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है, जैसे कि फ्रेंड जैसे यहाँ पे देखिए किचन काउंटर में यहाँ पर जब हम खाना वगैरह बना लेते हैं तो रात के समय ना आप इस तरीके से इसे पोछा लगा लीजिएगा, जिससे कि यहाँ पर जो चिपकली है, ककोच है, मक्खी वगैरह है जो बैठती है वो सारे इससे सुगंध से दूर भाग जाएंगे, बिल्कुल भी आसपास इसके भटकेंगे नहीं। तो आप इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर जब भी आप घर में अपने घर में पोछा लगा रहे हैं ना तो उसको भी एक ढक्कन में पानी में मिलाकर अपने घर की सफाई कर सकते हैं। इसकी अच्छी सी खुशबू भी रहेगी, कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह मक्खी मच्छर दूर रहेंगे, छिपकली का क्रोस सारे चीज़ से आप दूर हो सकते हैं, दूर हो जाएंगी, घर के आसपास भी नहीं भटकेंगे। तो मेरी वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगी हो फ्रेंड तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद मेरी वीडियो में आने के लिए।